बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। बिहार से अयोध्या राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी। इस बात की भनक सुरक्षा एजेंसियों को लग गई। इसके बाद बेहद सादे तरीके से एनआईए की टीम ने देर रात बिहार के मोतिहारी में धावा बोल दिया। छापेमारी में 8 लोग एनआईए के हत्थे चढ़ गए, जिसमें पीएफआई का सरगना रियाज मारूफ भी शामिल है। इस दौरान इन सबसे पूछताछ भी की गई। एनआईए की टीम ने छापेमारी को मोतिहारी के चकिया थाना इलाके के कुआवा गांव में अंजाम दिया, जिसमें 8 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान मोतिहारी की पुलिस टीम भी एनआईए के साथ थी। शुक्रवार की देर रात एनआईए की टीम ने गांव में छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए पटना ले गई। आपको बता दें कि इसी 31 जनवरी को नेपाल के जनकपुर धाम के गंडक नदी से शालिग्राम पत्थर को पूर्वी चंपारण के रास्ते अयोध्या ले जाया गया। पूर्वी चंपारण के चकिया होकर शालिग्राम पत्थर के गुजरते समय सोशल मीडिया फेसबुक पर वीडियो कॉल कर धमकी देने का एक वीडियो सामने आया। जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों में पीएफआई का सरगना रियाज मारूफ भी शामिल है। रियाज का नाम पिछले साल पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर चलाने में भी सामने आया था। उस दौरान भी एनआईए की टीम पटना, लखनऊ और दिल्ली की टीम ने चकिया के कुआवा गांव में छापेमारी की थी, लेकिन रियाज मारूफ उनके हाथ नहीं आया। हालांकि इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा। तमा, फेफड़ा, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों से हैं परेशान, तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सीवान।